नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं मनीषा श्रीवास आपके साथ। हाल ही में मिसेस यूनिवर्स कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर की मिसेस जोया सिराशेख ने बाजी मारी और वह तीसरी रनर अप रही। उनके नागपुर एयरपोर्ट पर आगमन होते ही नागपुर वासियों और उनके करीबियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सवाल ये था हमारा कि जिस प्रकार से सोफिया के बुल्गारिया में आज प्रीवियस यूनिवर्स में बेचे जिसने आज भारत चल पाई है, कैसा महसूस कर रही हो उसकी आवाज बोल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एक अदर कंट्री में जाके जहाँ पे 100 से ऊपर कंटेस्टेंट थे, अलग अलग कंट्री से वहाँ पे लोग रिप्रेजेंट करने आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने भारत का नाम वहाँ रोशन किया है। मैंने एक टाइटल नहीं, मैंने 4 टाइटल वहाँ से लेकर आई हूँ। मैं मिसेस रनर अप 3rd रैंक पर मैं आई हूँ। उसके बाद मैंने बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड मैंने जीता है। उसके बाद मिसेस यूनिवर्स ब्रिलियंस का अवार्ड लेकर आई हूँ और टॉप 25 में भी मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना देश का नाम रोशन करके आया है। काफ़ी कॉम्पिटिटर आपके साथ में थे, कई देशों के महिलाएं थी। बहुत चैलेंजेबल था बिकॉज ये 7 का पूरा काम था, बिकॉज इसमें एक हम लोगों को सब्जेक्ट मिला था डोमेस्टिक वायलेंस का, उसके ऊपर भी आप लोगों को हमारे आस पास बोलो या हमारे इंडिया में हमारे कंट्री में जिस टाइप के भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी शिकार होता है तो उसके ऊपर अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो मैंने सेल्फ डिफेंस को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिफेंस आप अपने बच्चों को अगर बचपन से ही सिखाओगे तो उसे कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो ये मेरा टॉपिक था, सेल्फ डिफेंस को मैंने चूज़ किया था और बहुत सारी स्कूल में जाके मैंने बच्चों को सेल्फ डिफेंस का मतलब ट्रेनिंग दिया था। बिकॉज मतलब मेरे परिवार का मतलब मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, मेरे बच्चों के बिना सपोर्ट के शायद मैं नहीं कर पाती, और मेरी फैमिली का मेघा कपूर अमेजर ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, इन्होंने ही मुझे बहुत ये किया कि आप जाओ, आप मिसेस यूनिवर्स के लिए ट्राई करो, इंटरनेशनल लेवल पे जाओ। तो जीतना तो इतना आसान नहीं था, वो टॉप 5 मिसेस यूनिवर्स का टाइटल होता है, टॉप 5 विनर्स होते हैं,
उसमें होता है एक विनर और एक होता है मिसेज यूनिवर्स 1, मिसेज यूनिवर्स 2, 3 और 4। तो मैंने थर्ड रैंक पोजीशन लिया है, तो ये बहुत ही ऑनर की बात है मेरे लिए कि मेरा परिवार मेरे साथ है, बिकॉज अपने बिना परिवार के आपके लिए ये खुशी किसी काम की नहीं है। तो थैंक्स टू माई ऑल फैमिली मेम्बर्स मेरे। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी, ऑफकोर्स औरतों ने अपने हर औरत को एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने का, तो औरतों ने वो प्लेटफॉर्म पे अगर काम करना चाहिए, छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप छोटे से शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, मैं मिसेस महाराष्ट्र विनर भी रह चुकी हूँ, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिसेस महाराष्ट्र से मैं मिसेज यूनिवर्स के लिए जाऊँगी। मिसेज यूनिवर्स मतलब आप लोगों को पता होगा, ब्रह्मांड सुंदरी। तो ये टाइटल लेकर आना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, और मैं अपने नागपुर ऑरेंज सिटी से आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने भारत का नाम रोशन किया है। और देखिए, ये तो मैंने तो मेहनत किया था, ऑफकोर्स मेरी जो नेशनल डायरेक्टर है मोहिनी शर्मा, मिसेस इंडिया INC की जो ओनर है, उन्होंने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे ट्रेन किया, वॉक रैंप वॉक से लेकर स्किन से लेकर एवरीथिंग, मतलब डाइट प्लान, ये वो बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत ट्रेन किया, और सक्सेसफुली उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया कि मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम का वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आप समझ सकते हो कि पूरी दुनिया से 100 के ऊपर कंटेस्टेंट थे, उसमें से मैंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का, आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड लेकर आई हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में जाते हैं ना, तो वो ऊपर वाला हमें कुछ दिखाने के लिए करता है। आप मतलब एक बोलते हैं ना, एक छोटी सी एक किरण मिलनी चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए। आपको एक मौका भी मिला तो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। एक मौके की जो एक मौका आता है हमारे पास चल के, ऊपर वाला भी वक्त देता है हमको, बोलता है कि ये कर लो ये कर लो, अपन नहीं करते। बट मेरा हर यंगस्टर्स को ये बोलना है, बी कॉन्फिडेंट। जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतना अपने सक्सेस को पा सकते हो। और साथ में फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सोचते हैं कि बिना फैमिली का मैं ऐसा कर लूँगी वो कर लूँगी, इम्पॉसिबल है। तो हमारी फैमिली हमारे साथ होना चाहिए, बिकॉज जब आप जीत कर आओ तो सेलिब्रेशन कौन करेगा, ऑफकोर्स आपकी फैमिली आपके साथ होगी। तो बी कॉन्फिडेंट, बी लॉयल फॉर एवरीवन, तो ऑब्वियस है कि आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।